नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे अखिलेश का मिशन, कांग्रेस को टेंशन क्योंकि अखिलेश यादव अकेले दम पर यूपी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में। इसके साथ ही बात करेंगे सियासी शोले, जुबानी हमले क्योंकि सीएम योगी अब डायरेक्ट अखिलेश यादव को टारगेट कर रखे हैं। वही बात होगी माया की चुनौती क्या है रणनीति, जिसमें बात उस वोट बैंक की करेंगे जिस पर अब चंद्रशेखर की भी नजर है। साथ ही आपको दिखाएंगे रायबरेली में हत्या, वोट बैंक दिखा क्योंकि योगी के नाम राहुल गांधी की चिट्ठी में साफ साफ दलित का जिक्र है। वही बात होगी गुजरात झांकी है, तबाही बाकी है, लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश के मिशन। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में भी मजबूत पकड़ बनाने पर फोकस कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब दिल्ली के रास्ते जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी अकेले दम पर। फिलहाल जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी से गठबंधन पर अटकले हैं, यानी कांग्रेस से अलग 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दरअसल अखिलेश यादव की नजर कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं अखिलेश के मिशन से कैसे कांग्रेस को टेंशन होने लगी। उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की सियासत में साइकिल चलाने वाले अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। क्षत्रिय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का ठप्पा लगाना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का फायदा उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी धमक दिखाने के मूड में है। यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस को सीटें देने के नाम पर वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में उतरना चाहते हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति तैयार की है। जहां अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। एसपी प्रत्याशियों की लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। जहां मुस्लिम आबादी वहां एसपी कैंडिडेट्स उतारने का प्लान है। भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी हो, लेकिन दूसरे राज्यों में खुद को साबित करने के लिए अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें अखिलेश का जम्मू कश्मीर प्लान सबसे एक्सक्लूसिव है। आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां समाजवादी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। इसी क्रम में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी को रिलॉन्च कराया है और अब यहां पे चुनाव लड़ने का भी प्लान बना लिया है। इसको लेकर टिकटों पर मंथन शुरू हो गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को शनिवार को लखनऊ बुलाया है और इसी दौरान जम्मू की 10 सीटों पर टिकटों का ऐलान हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। कि जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं उनने हमारे साथ संपर्क किया और हमने 10 लोगों की लिस्ट जो फाइनल की है उसके लिए हम समाजवादी पार्टी लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हमने समय लिया है। अखिलेश यादव जी ने हमें परसों के लिए समय दिया है। यानी प्रत्याशियों के नाम फाइल हो चुके हैं, सिर्फ अखिलेश यादव के मुहर का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अगर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो उससे किसका फायदा किसका नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है और कौन ये दर्जा देता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 या फिर उससे ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ना अनिवार्य होता है। चुनाव में पार्टी को कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। साथ ही पार्टी के 4 उम्मीदवार किसी राज्य से सांसद बने और 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल हो।
राष्ट्रीय पार्टी के लिए कंडीशन ये भी है कि लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें जीत जाएं और जीते हुए उम्मीदवार 3 राज्यों से होने चाहिए। इस बीच सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल में पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, जिसमें से 20% बेटियों की, लड़कियों की पुलिस में भर्ती होगी। सीएम योगी ने इसको लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा है। आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। और समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी के बयान से सियासी तापमान बढ़ चुका है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते हुए कहा, लाल टोपी के काले कारनामे जनता जानती है। उन्होंने गैंगरेप के आरोपी मोहित खान और नवाब यादव का जिक्र करते हुए कई तीखे बयान दिए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन दिया। दरअसल सीएम योगी ने कहा, लाल टोपी के काले कारनामे समाजवादी पार्टी की पहचान है, और इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा, लाल टोपी संघर्ष की निशानी है। सीएम योगी ने कहा कि नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी की पहचान है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। वहीं जब सीएम योगी ने कहा अखिलेश यादव रेप आरोपियों के समर्थन में दिखे, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, आरोप लगाने से बीजेपी के पाप नहीं छिपेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब जुबानी हमले शुरू हो चुके हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट भी दिखा दें। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। चुनाव सिर्फ 10 सीटों पर है, लेकिन तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में। मुद्दा रोजगार और विकास का है, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि योगी हर मंच से समाजवादी पार्टी के काले कारनामों से पर्दा उठा रहे हैं। अयोध्या में गैंगरेप, कन्नौज में रेप और लखनऊ में छेड़छाड़ को मुद्दा बना चुके हैं। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए योगी खुद मोर्चे पर हैं और टारगेट पर अखिलेश यादव, क्योंकि जिन समाजवादियों पर गैंगरेप, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे, अब उन आरोपों को चुनावी मंच से उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी की जनता अराजकता और गुंडागर्दी से परेशान थी और कैसे लाल टोपी वाले काले कारनामे कर रहे हैं। कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। पहले बीजेपी ने लाल टोपी वालों को गुंडों की उपाधि दी थी, तो अब सीएम योगी लाल टोपी के काले कारनामे बता रहे हैं। यानी इस उपचुनाव में मुकाबला रोजगार बनाम गुंडागर्दी पर आ चुका है।
मिशन रोजगार के तहत चार जिलों में रोजगार मेला, तो दूसरी तरफ एसपी नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप चर्चा में है। चुनावी जिलों में 30,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब पर रेप का आरोप अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, तो साथ साथ लखनऊ में छेड़छाड़ का मामला भी उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह सीएम योगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क बता रहे हैं और लाल टोपी वालों के काले कारनामों को मुद्दा बना रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। लाल टोपी से मुख्यमंत्री जी इतना डरते क्यों? और आप काले दिल की बात बोल रहे हैं, काली टोपी की बात कर रहे हैं। काली टोपी तो आजकल सबसे बड़े अपने आप को राष्ट्रवाद बनने का जो दावा करने वाला संगठन है, आजकल तो सुना है कि काली टोपी वही लगा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निशाना कहीं और है, चल कहीं और जा रहा है। खैर, यूपी में चुनाव है इसलिए सियासी गलियारों में तनाव है, लेकिन जिस तरह सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं, अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं, उससे तो तय है कि 10 सीटों पर होने वाला सियासी रण काफी भीषण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर उपचुनाव से पहले बीएसपी के सामने चुनौतियों का अंबार लग चुका है। चुनौतियां खिसकते वोट बैंक को बचाने की हैं, तो साथ ही साथ वोट शेयर को बढ़ाने की भी है। अब ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मायावती अब नई रणनीति पर काम कर रखे हैं और इसका एक्सपेरिमेंट उपचुनाव में होने जा रहा है। मायावती न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का तोड़ निकाल रही हैं, बल्कि दलित वोटर्स को वापस अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश भी कर रही हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति क्या है। चार बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की कमान, देश के कई राज्यों में पार्टी का दबदबा और 5 बार की पार्टी अध्यक्ष मायावती को उसी उत्तर प्रदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जहां से पार्टी की नींव पड़ी थी। अब उसी उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बेशक मायावती 5वीं बार पार्टी की अध्यक्ष बन चुकी हूँ, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 30% से बीएसपी का वोट प्रतिशत 9% पर पहुंच चुका है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीएसपी 10 सीटों से 0 पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उनका कोई सदस्य नहीं है, जबकि यूपी विधानसभा में सिर्फ 1 सदस्य उमाशंकर सिंह हैं। ऐसे में बैक टू बैक चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन अब मायावती को टेंशन दे चुका है। एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े हैं, उनको रोकने के लिए भी मायावती चाहती हैं खुद मैदान में बनी रहें। यानी मायावती कल भी थी, आज भी हैं, 2029 तक भी रहेंगी। दरअसल यूपी में बीएसपी का उभरता चेहरा आकाश आनंद को पहले तो मायावती ने मैच्योर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार के बाद अब उसी आकाश आनंद को 47 दिन बाद मायावती ने मैच्योर करार दिया। इसके पीछे मायावती का दलित वोट बैंक है, जिस पर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की पकड़ मजबूत होने लगी है। लेकिन उसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मायावती अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। उनकी पार्टी बेहद कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रही है, जहां पर लोकसभा में एक भी सीट उन्हें उनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बीएसपी विहीन हो चुकी है, विधानसभा में 1 विधायक है उनकी पार्टी का, उनका वोट शेयर किसी जमाने में 30% के करीब होता था, जो खिसक कर 9% जा पहुंचा है। तो मायावती की अभी कोशिश चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले उनकी चुनौती से लेकर अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती, ये तमाम ये संकट के दौर हैं। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी का वोट किस तरीके से 23-24% हुआ करता था, जब समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में उनका गठबंधन था, उस टाइम भी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है 19% था, लेकिन आज की तारीख में वो घट करके हमें लगता है 8-9% हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक अपने बहुजन हित के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, अपने पीडीए के लिए कभी जो है करते। ऋषि राम के निधन के बाद बीएसपी जिस तरह से सत्ता में आई, उसका सीधा श्रेय मायावती के कुशल प्रबंधन को जाता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि पिछले 21 साल से पार्टी का कुशल प्रबंधन मायावती चला रही है, लेकिन अचानक पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट मौजूदा सियासत में मायावती के सामने किसी चुनौती से भी कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और वहीं उत्तर प्रदेश में दलित और पारसी वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से मोर्चे पर हैं। इस बार राहुल गांधी ने रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या का मुद्दा उठाया है और सरकार को घेरने की कोशिश की। अर्जुन पासी हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने लिखा कि रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या कर दी गई, 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 7 नामजद में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए कहा, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी है कि विशाल सिंह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विशाल की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित समाज में डर का माहौल है। दरअसल अर्जुन पासी हत्याकांड में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और दलित जुल्म का मुद्दा भी उठा चुके हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की नजर दलित के साथ साथ पासी समुदाय पर भी है। अगर इसे सियासी एंगल से देखें तो यूपी में पासी समुदाय जाटव के बाद दूसरे नंबर पर है। सेंट्रल यूपी में पासी समुदाय काफी अहम माना जाता है। दलित समुदाय में 16% पासी की हिस्सेदारी होती है और अब पूरे उत्तर प्रदेश में 3% से ज्यादा पासी वोटर हैं, जो कई सीटों पर काफी अहम माने जाते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने अर्जुन पासी हत्याकांड में अब सीएम योगी को खत लिख दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रायबरेली के अर्जुन पासी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पीड़ित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। और अब बात शहर शहर जल कहर की। देश भर में बाढ़ और बारिश ने कहर मचाया हुआ है। दिल्ली में बेहिसाब बारिश तो गुजरात में बेहिसाब बाढ़ है। पहाड़ से रेगिस्तान तक जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तो बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से एक पुल ढह गया, तो वहीं कच्छ में एक कार पानी में बह गई। राजस्थान के कोटपुतली में 25 बच्चों से भरी स्कूल बस एक बरसाती नाले में पलट गई। 1 घंटे में सभी बच्चों को बचा लिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, तबाही अभी बाकी है। इसी पर आपको रिपोर्ट। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं, तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया।
सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसे बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और SDRF की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया।